फैंस को डराने आ रही है काम्या पंजाबी। टीवी से दूर एक्ट्रेस अब शो से करेंगी काला जादू। एक्ट्रेस काम्या पंजाबी टीवी शो राजमहल से वापसी करने वाली है और वो शो में एक अलग ही अवतार में नजर आएंगी। एक्ट्रेस मंत्रलेखा की भूमिका निभाएगी जो कि चंद्रलेखा की बड़ी बहन है। अपने कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए काम्या कहती है, मुझे शो के मेकर्स ने इस कैमियो कैरेक्टर के लिए कॉल किया। मैंने डिसीजन करने के लिए अपना टाइम लिया और आखिरकार इसे ले लिया है। मुझे अपना कैरेक्टर निभाना पसंद है और इस बार भी कुछ ऐसा बना है जो कि काफी नया और दिलचस्प है। वो आगे कहते हैं, ये कैरेक्टर जो मैं निभा रही हूँ ये काफी इम्पोर्टेंट है और मैंने पहले जो किया है उससे काफी डिफरेंट है। भले ही ये शो फैंटेसी कैटेगरी का है फिर भी मैंने इसे करने का डिसाइड किया है। मैं पहले कभी किसी फैंटेसी शो का पार्ट नहीं रही। उन्होंने शूटिंग भी शुरू कर दी और कुछ महीनों के लिए वो इस शो का पार्ट बनेंगी। वो कहती है कि मैंने पहले ही शूटिंग शुरू कर दी है। मुझे बताया गया है कि मेरा कैरेक्टर करीब 2 महीने तक चलने वाला है। भले ये एक कैमियो है, काम्या का कहना है कि पूरे कैरेक्टर करना पसंद करेंगी। उन्होंने कहा, मेरा कैरेक्टर करना मुझे पसंद है क्योंकि जब मैं कोई भी कैरेक्टर करती हूँ तो मैं कैरेक्टर के अंदर छोटे से छोटे पहलू का ध्यान रखती हूँ। मैं बॉडी लैंग्वेज, बोली और जिस तरह से उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना चाहती हूँ उस पर कड़ी मेहनत करती हूँ। जब मैंने बहुत मेहनत की है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा कैरेक्टर लंबा चले और लोगों से जुड़े। लेकिन इस बार मैंने इसे लिया क्योंकि ये एक मजबूत कैरेक्टर है। वेल, आप काम्या पंजाबी को मंत्रलेखा के कैरेक्टर में देखने के लिए है कितने एक्साइटेड हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।